जब उस पार्टी का जासूस यहाँ नहीं है तो विजय कंतवा को हमारे प्लानिंग का कैसे पता चल गया? वो मस्टरनी के दरवाजा पे पहुंच के वहां से फरार हो गया। तब कोई ना कोई तो है ना जो हमारे पीठ में छुरा भोंक रहा है। ऐसा नमक मिर्च लगा के विजय कांत बाबा को उसके बारे में बताया कि हवे गुम हो गया। रितेशवा के बारे में उनको एक को पैसे का शक नहीं था। अब तो कर छुट्टी समझो। आप बिल्कुल भूलिए, विजयकांत आपकी मदद नहीं करके ये साबित किया है कि सौतेला आखिरकार सौतेला ही होता है और अपना भाई अपना। अगर रितेश की जगह कोई दूसरा होता तो हम अभी उसका इंतजाम कर देते हैं, पर ये घर के भगीना का बात है। इसे रितेश के साथ क्या करना है ये हम आप पर छोड़ते हैं। दुलारी जी, एक बात तो क्लियर, आज से ना हमको आपका पैसा चाहिए ना आपका मदद चाहिए, बस आज से ये लड़ाई हम खुद लड़ेंगे। जितेंद्र तुम आप मत बैठो, बहुत हो गया, बस अभी कुछ बोलो ना, तुम मत बैठो। क्या हुआ भैया जी? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम लोग यही रुको, यही रुको, तुम कोई नहीं जाएगा। अरे रितेश अंदर जो हुआ उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। अरे हम भरोसा करते हैं ना तुम, हमने कभी शक किया है? मेरा साला पगलेट है, गरम मिजाज है उसका, आगे पीछे कुछ देखता है नहीं, लगता है खुद में। उसका गर्मी दो मिनट में निकाल देंगे। उस आइटू को बोलना जरा औकात में रहे, जो कुछ होगा उसका जिम्मेदार वही रहेगा। हम बोले ना उसके लिए हम माफ़ी मांग रहे हैं। अरे रितेश भाई, अभी ज़रूरत है हम दोनों को साथ मिलकर काम करने का। हम दोनों का दुश्मन एक के है ना, अगर आपस में लड़ते रहे तो दुश्मन का सफाई क्या करेंगे? मकसद पूरा नहीं होगा हमारा। ना, हमको किसी की मदद का दरकार नहीं है। साला दोस्त बन के आए थे और अभी तक अपना दोस्ती निभा रहे हैं। कमनो गली का कुत्ता नहीं है कि एक गो रोटी दिखाया तो पूंछ हिलाते हुए चले आए और जब मन किया लात मार के भगा दिए। अरे यार, ऐसी बात काहे कर रहे हैं? तो कैसा बात करें, ये सब हम अपने घर में नहीं सहे, तुम्हारा दरवाजे पे आके बेइज्जत होके जाएंगे। दीदी तो भरोसा करती है ना, आप सुने हैं ना अंदर? वो करती है तो करती रहे, लेकिन हमको तुम लोगों पे भरोसा नहीं। इस साला बिंदवा सबके दिमाग में हमरा खिलाफ जहर बो रहा है, अब उसका हरजाना तो भरना पड़ेगा ना। ठीक है पत्तन भाई, आज से तुम्हारा रास्ता अलग और हमारा अलग। जयराम जी। पत्तन भाई ना, 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 तुम चुप रहो, तुम बीच में ना बोलो। अरे रितेश भाई, एक बार डिसीजन लेने के पहले सोच तो लो। अरे सुन, देखे ना उस्ताद, रितेशवा साला घर में कैसे बाघ जैसा दहाड़ रहा था। दुलारी जी तक का हिम्मत नहीं पड़ा कि उसके बीच में आए कुछ बोले। बुझ गया ना कितना दमदार है वो। घंटा दमदार है, बड़बोला है साला, बहुत बकबक कर लिया। और तुम देखना, उसका यह बकबकाना उसके अंत का कारण बनेगा। खाली तुम चुपचाप देखते जाओ, आगे आगे होता है का। अरे उस्ताद जी, वो तो गनीमत था कि दुलारी देवी बीच में आ गई, नहीं तो आज तो रितेशवा खत्म है था समझो। एकदम जियरा धक धक कर रहा था कि वो अब गया कि तब गया। खैर इतना अच्छा हुआ कि बच गया सर। अच्छा हुआ, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे इतना बूझ जाता तो तू हमारा उस्ताद नहीं बन जाता। हाँ, अरे बुर्बक, हम तो चाहते हैं कि वो साला अपने ही खानदान के गोली का शिकार होकर मर जाए। ऐसा हो जाएगा तभी तो दुलारी भौजी से डांट सुन रहा था। अच्छा सुनो, तुमको एक ठो काम करना है। हुकुम कीजिए उस्ताद। बस आज बाबा को ये खबर पता चल जाना चाहिए कि वो साला रितेशवा आज दुलारी देवी से मिल के गया है। इतना खबर पहुंचाने इसका होगा। अरे बुर्बक, तुम्हारा ये बात आग में घी का काम करेगी।
और उसका लपट में पूरी तसवा मकई के भुट्टा जैसा पटपटाए जाएगा। अरे उस ससुरा रितेश, उस साले का अपनी औकात समझ में आएगी। वो दिन साला चमकी बाई के कोठा में बहुत अपना औकात दिखा रहा था। अच्छा रितेश साला, ही झमेला में हमारा पूरा नशे उतर गया, अभी फिर से मूड बनाना पड़ेगा। समझ गए उस्ताद, अभी हम बना के लाते हैं। जल्दी कर, जल्दी। कौन है रे? चतरा थान के सूत्र आई यहाँ पे है? घर में घुसते सबूत पटांग कर दिया, निंदा नहीं तुमको। तुमने चलते अदृत्य सब भाग गया, दुश्मन का एक को खबर ही था, सब बर्बाद करके हम नहीं चाहिए तुमको, सब तुमने चलते हुआ है। बकवास मत करो, तुम तो साला इतना बड़ा उल्लू का पट्टा है कि अपने दुश्मन को गोदी में बैठा के झुंझुना बजा रहा। हम तुम्हारे जैसा बेवकूफ नहीं है कि हम दुश्मन को आंख मूंद करके विश्वास कर लेंगे। अरे तुमको पता है कितना पोट पाट कर रहे थे इस वक्त हम रखे हुए थे, और घर में घुसते सब सत्यानाश कर दिया साला। अकेला ये साला बेड़ा है बेड़ा। तू अच्छा की थी दीदी, तुमको घर भेज दी थी, तुम वही लायक है। अभी भी निकल किसी के कंधे पे गोली रखे गोली चला दिए। अरे हम मर्दानगी है, मर्दानगी बचा है कि नहीं? मर्दानगी की बात करता है, बात करता है। आगे से मेरे फैसला पर कुछ नहीं बोलेगा, यहाँ से निकल। ये साला गोली मारेगा ना, पोस्टमार्टम नहीं हो पाएगा। भाग साला, आंख नीचे कर, आंख नीचे कर, भाग साला। अब बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं। तू लोग से का कही हम, रितेश बउआ भेदिया बन जाइए, ये भला विश्वास करे वाला बात बा? और दोस्तों और बाबा हमरा से बात कहला ना, अब बाबा की बात पे हम कैसे ना विश्वास करी? वो ये घर के इतना पुराना आदमी हवन, हम तो दिमागे नेखे काम करत नहीं। मुझे नहीं लगता कि रितेश भैया दुश्मनों के लिए भेदिया का काम कर सकते। माँ उन्हें किस बात की कमी है जो ऐसे गिरी हुई हरकत करेंगे? माँ मुझे लगता है बाबा को जरूर कोई गलत फहमी हुई है। भाभी ऐसे एक बात और हो सकती है। क्या? हम सब जानते हैं ना कि विजयकांत और रितेश भैया एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो हो सकता है कि विजयकांत ने ये सब मनगढ़ंत चाल चली हो। ना ये बात ना हो सके। मम्मी आप बहुत भोली हैं, आप समझ नहीं पा रही हैं। ये 100% ना विजयकांत का ही किया हुआ है। अगर मुझसे पूछे ना तो रितेश भैया कभी ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। आप सब उन्हें बचपन से जानते हैं, समझते हैं। विजयकांत, विजयकांत तो है आखिर सौतेला ना। वो हम लोगों को आपस में लड़ाकर अपना मतलब साधना चाहता है। तो आप कहे के का मतलब बा? फिर मतलब, अरे कहने का मतलब ये है कि विजयकांत फिर हमारे घर में पॉलिटिक्स खेल रहा है। रितेश भैया को इस घर से दूर करके वो इस घर पर एक छत्र राज करना चाहता है, वो भी ऐसे हालत में जब श्रीकांत भैया यहाँ नहीं है। हे भगवान, न जाने के सही बात के गलत। बाकी हमरा तो बस एक ही बात की चिंता लागल बा। किस बात की चिंता माँ? चाहे कुछ हो जाए, बाकी आवे वाला समय के लक्षण शुभ नहीं खे लागत। अरे ये सब बात से तो दुखे तकलीफ आई ना, ये कोनो शुभ लक्षण भाई? देखिए रितेश भाई, हम तो आपसे यही बात कहेंगे कि अपना फैसला पे फिर से विचार कर लीजिए। अब ये नहीं कह रहे, घरे जाके इत्मीनान से ठंडे दिमाग से सोचिएगा। सोचना का है, हमारा फैसला फाइनल है।
एक बात तो समझ में आ गया, आदमी सांप पे विश्वास कर सकता है लेकिन साला दुश्मन पे कभी विश्वास नहीं कर सकता। आप काहे ऐसा सोच रहे हैं? दुलारी जी या पुत्तल भैया तो अभी भी आप पे भरोसा करते हैं। अरे उनका भरोसा करने से क्या हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा क्या? साला दो कौड़ी का बिंदा, साला हमरा इतना बेइज्जती किया और हम कुछ नहीं कर पाए। जानते होता है कुछ नहीं कर पाए, कहे कि मुकरा घर में था। अगर हमने अपने बेइज्जती का बदला नहीं लिया तो हमारा नाम भी रितेश नहीं। कहा रितेश भाई, एक बात बताइए, वो दो कौड़ी का आदमी का बहनुए कहा है? वो कोनो साला वो घर का मालिक मुख्तार है का? पूरा महाराजगंज में किसी का औकात नहीं हमसे इस तरीके से बात करने का, इस साला दो कौड़ी का। देखिए रितेश भाई, आज जोश में अपना होश खो रहे हैं आप। क्या मतलब है तुम्हारा? एक बात बताइए, वो लोग के मदद के बिना आप विजयकांत का गद्दी हथिया सकते हैं? हमको क्या करना है और कैसे करना है ये हम अच्छी तरह समझ गए हैं, और एक बात और समझ गए हैं। अच्छा का? दोस्त दुश्मन हो सकता है लेकिन तुम्हारा दुश्मन कभी दोस्त नहीं हो सकता, ये समझ लो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है? बाबा और विजयकांत बता रहे थे कि रितेश भैया तुम्हारी फैमिली में जाकर मिल गए हैं और विजयकांत को मारने की प्लानिंग चल रही है। कमाल है यार, अब तुम्हारी फैमिली में भी ऐसी सिचुएशन पैदा होने लगी क्या? उदीप, उदीप मुझे बहुत डर लग रहा है। उदीप, अच्छा तुम्हें क्या लगता है रितेश भैया ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? उदीप, बाबा कोई भी बात ऐसे ही नहीं करते हैं और उन्होंने सोच समझ के ये बात फैमिली मेंबर्स के सामने रखी होगी, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा चिंता अपने रिलेशनशिप को लेकर हो रही है। अगर हमारे घर वालों को पता चल गया ना तो मेरा घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं निकाल दूँ तो फिर मुझे क्या मिलने वाला है? एनीथिंग, जस्ट टेल मी द सॉल्यूशन। तुम प्रॉमिस करो कि मैं तुम्हें सॉल्यूशन अगर निकाल के दे दूंगा तो तुम मुझे जो चाहो मुझे मिलेगा। तुम टाइम मत वेस्ट करो, मुझे बताओ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। मेरे दिमाग में वो क्या है उदी, यहाँ पे भी मजाक। अरे कम टू द पॉइंट, डोंट वेस्ट टाइम प्लीज। अच्छा एक बात बताओ, तुम ऑस्ट्रेलिया क्यों गई थी? फाइनेंस की ट्रेनिंग लेने के लिए ना? हाँ। इसलिए तो नहीं गई थी ना क्या इस महाराजगंज जैसे छोटी जगह में बैठकर दीवारों को पोस्टर बनाते रहो? तो तुम अपनी फैमिली वाले से कहो ना यार कि तुम्हारा मतलब टैलेंट और एजुकेशन का यहाँ वेस्टेज हो रहा है। अब तुम किसी भी बड़े शहर दिल्ली मुंबई अमेरिका जैसे शहर में जाके कुछ ऐसी बात करो ना तुम। करेक्ट, फिर मैं भी अपनी फैमिली वालों से ये कहूंगा ना कि मैं यहाँ कोई ये पहलवानों और मुच्छड़ों की फोटोज बनाने के लिए थोड़ी आया हूँ, मुझे भी तो एक्सपोजर चाहिए। इस तरह से फिर हम दोनों यहाँ से बाहर हो जाएंगे। सोचो स्वीट हार्ट, कमाल हो जाएगा। वाओ, व्हाट अ फैंटास्टिक आइडिया उदी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ डार्लिंग, अब तुम्हारे अलावा कुछ सोचने का टाइम मिलता है मुझे? तब कुछ सोचूंगा ना। यू रोमांटिक फूल, चलो कोई बात नहीं, इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन तो मिल ही गया ना। अच्छा चलो अब मैं फोन रख रही हूँ वरना कोई आ जाएगा। अरे कमाल यार, तुम्हारे घर में क्या रात को भी तुम्हें चैन से सोने नहीं देते क्या? मुझे तुम समझ नहीं रहे हो, रितेश भैया की वजह से ऑलरेडी घर में बहुत टेंशन हो चुका है, अब जब वो वापस आएंगे तो पता नहीं क्या होगा। मैं फोन रख रही हूँ कि हम बाद में बात करेंगे। गुड नाइट। ओके बाय। Thank you.
मामी, बाबा, आप लोग ऐसे काहे घूर रहे हैं? अपना मन से पूछो, तुमको क्या लगता है तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो? हमको कुछ पता नहीं चल पाएगा। क्या पता चल गया? का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आप लोग क्या बोल रहे हैं। ये समझाने के लिए पहले दुलारी को बुलाया जाए कि बिंदा को? आप ही बोलिए। ज्यादा सीधापन का नाटक खत्म करो। हमको तो ये भी पता है कि अभी तुम सीधे ओहें से आ रहे हो। नहीं बाबा, ये एकदम गलत है। कोई आपको गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, कोई आपको भड़का रहा है हमारा खिलाफ। ये दुश्मन का चाल है, वो हम लोग के बीच में फूट डालना चाहता है। ये का सही नहीं है कि विजय के बारे में सारी जानकारी तुम ही उन लोगों को देते रहे। ये तो ठाकुर जी की कृपा है कि आज सही सलामत यहाँ पर खड़ा है, नहीं तो इसको खत्म करने की सारी तैयारी तो तुम बैठा चुके थे। सही है कि नहीं बोलो। अरे क्या बोलेंगे काका, ये तो मैच कुछ पैसों के लिए अपना आत्मा का सौदा कराए दुलारी देवी से। कहिए रितेश भैया, तो हम गलत बोल रहे हैं? तुम्हारी खामोशी इस बात की गवाही दे रही है कि तुम हम लोग के साथ में गद्दारी किए हो। अफसोस तो ये बात का है कि तुम नौकर चाकर नहीं, ये घर का आपन सवांग हो। सोच नहीं सकते कि आज स्वर्ग में तुम्हारे मामा जी की आत्मा कितना कष्ट पा रही होगी। अरे अब तो मुंह खोलिए, स्वीकार कीजिए सबके सामने खबरी, और कितना बेइज्जती किया जाए अब आपका। जितना लोग खड़ा है ना, सबको मालूम हो चुका आपका करतूत। बोलिए, नहीं तो मुझे हम किया गद्दारी, हम गद्दार हैं। हम ही घर का खबर उन लोग दुलारी देवी को देते रहे। जानते हैं काहे? भाई के हमारे पास अपनी जिंदगी बनाने सवारने का और कौनो रास्ता नहीं था। उसके भैया तुमको इतना नहीं मानते होते और तुम इस घर का अपना खून नहीं होते तो आप ही बोटी बोटी करके तुम्हारे चील कौवा को खिला देते। विश्वास घाते के लिए कोई जगह नहीं है घर में। ठीक है नहीं, अपना बोरिया बस्ता उठाइए और 5 मिनट के भीतर यहां से चलते फिरते नजर आइए।